यस गुड मॉर्निंग। नाइन्थ बी कल आप कह रहे थे ना कि कांगी का सिरलेख टुकवा है या नहीं, हो गया वो वाला क्वेश्चन। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपनी रफ कॉपी पे एक बार लिख जरूर लियो, ठीक है। पहला पात्र चित्रण करते हैं और तुसी खुद मेनू पॉइंट दसने ने, खुद उन्होंने इलैबोरेट करना है, ठीक है। एक बच्चा पॉइंट बोलेगा तो दूसरा बच्चा उन्होंने इलैबोरेट करेगा, राइट। ओके सो फर्स्ट करते हैं आप। हाँ जी पहला सिर्जना दाई करते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलो। इवा नहीं इधर तो कुछ मेंशन नहीं है कि पैसे कमांदी है, पढ़ी लिखी औरत है। हाँ ठीक है। सो जान पहचान विच की आएगा ध्रुव गुलाटी, एक एक पॉइंट में घटो घट सुनना है, चार पांच बच्चों तो। ध्रुव जान पहचान विच बोलो। लिखो हेवन। और दसो। जान पहचान विच असी सब तो पहली लाइन की लिखते हैं, बैठो हेवन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन केड़ी होंदी है? हाँ एकांगीकार दा नाम। सो एकांगीकार दा नाम पाली भुपिंदर सिंह, पूरा लिखना है, ठीक है। पहला तो अपनी रफ कॉपी ते राइटर दा नाम लिखो ताकि थानू दे स्पेलिंग चंगी तरह नाल याद हो जान। हर एक चैप्टर दे राइटर दा नाम थानू याद होना चाहिए है, ठीक है। सो जान पहचान विच की आएगा सिरजना 28-29 साल दी है, पढ़ी लिखी औरत है, कुलदीप दी पत्नी, बीजी दी नू, ओ सॉरी बीजी दी नू ते ओदी एक कुड़ी भी है, ठीक है। बस अपा तीन चार लाइना लिखनिया है। हाँ जी क्लीनिक विच ते एदी नौकरी दा ते किते नहीं लिखिया होया कि नौकरी भी करदी है। ठीक है कौन एक्सप्लेन करेगा? गुरजाप ठीक है। ओके ठीक है। ओके मिलन आधुनिक विचारों वाली कि मुंडे ते कुड़ी विच कोई। हाँ ठीक है गुड गुड क्लियर है। सेकंड पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
सिर्जना एकांगी का पात्र चित्रण कर रहे हैं सिर्जना, ठीक है। सो पहले दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट दसो। हाँ जी किस तरह? ठीक है, ओके। हरनूर ममता नाल परी हुई। हाँ हाँ ओके पनिका मैम, हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, परेशानी विच घिरी हुई। ठीक है, जिन्ना चिर सिरजना ने फैसला नहीं लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने अनजम्मे बच्चे नू नहीं बचाएगी, तो वह उन्नी देर बुरी तरह परेशानी विच रहती है। उसकी सास उसनू लई भी मजबूर करती है, उसका पति भी उसका साथ नहीं दिंदा। ठीक है, गुड। जे वाला पॉइंट तुसी नहीं लिखा होया, परेशानी विच की हुई, ठीक है। रिवीजन का मतलब यही है बेटा कि जेडे पॉइंट्स या कुछ उस टाइम ते साडे कोलो छुट जांदा है तो आप उस पॉइंट नू ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो गुड पनिका, परेशानी विच की हुई जिन्नी देर तक, क्योंकि वो बीजी जड़ी है वो ते हमेशा रो पाती रहती, उन्होंने हमेशा यही जोर दिंदी है कि तू स्कैनिंग करवा ला, जे कुड़ी होएगी तो तू इस कुक विच ही मार दवी, ठीक है। ते वो हर टाइम जिनी देर तक उसकी स्कैनिंग नहीं हो जाती उस टाइम तक वो परेशानी विच ही घिरी रहती, उसके मन में काफी उतरा चढ़ा आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, उसनों अपने पति का भी कोई साथ नहीं मिलता, ते वो इकली ही इस परेशानी का सामना करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, आशप्रीत एक्सप्लेन करो इन। ठीक है, वैभव पति का सतिकार करने वाली। और की लिखोगे इहदे विच? ठीक है, अगे। ओके, बैठो। सार्थक पति का सतिकार करन वाली। एकांगी विच पता कितों लगता कि अपने पति का सतिकार कर दिए? जदों भी आपां पॉइंट लिखना ना, आपां इनू एक्सप्लेन जरूर करना है कि इस पॉइंट नू क्यों इलैबोरेट किया गया है। बैठो साथ। हाँ ठीक है, हर एक पॉइंट नू जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपां लिखा है उन्हें लिखना जरूर है कि पति का सतिकार करने वाली है। जब वो हॉस्पिटल में बैठी होती है तो अपने पति को फोन करती है कि बीजी मैनू स्कैन करवाने लिए कह रहे हैं, तो वो कहता कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हाँ अपने काम में, क्योंकि ऑफिस में काम करता है। तो वो अपनी पत्नी कहें कि जिदा बीजी कहते हैं उस तरह ही कर लै, ठीक है। तो अपने पति को उल्टा कोई जवाब नहीं देती, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जस्ट रूप एक्सप्लेन करो। भ्रूण हत्या के खिलाफ। हम्म,
ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है बैठो मेहर कौन बोलेगा रमनीत ठीक है क्लियर है दो लाइना विच एक्सप्लेन नहीं करना तुसी प्रॉपर लिखना है कि वो पढ़ी लिखी है आधुनिक विचारां वाली है हर एक पॉइंट ना एक दूसरे नाल कोरिलेट हो रहा है और मुड़ केड़ के दो तीन लाइना ते आ ही रही ने हर एक पॉइंट विच ठीक है पढ़ी लिखी है आधुनिक विचारां वाली है मुंडे ते कुड़ी विच कोई भेदभाव नहीं करती वो भ्रूण हत्या के खिलाफ है उन्हें लगता है कि कुड़ी मुंडा एक समान है ते चाहे ओदे चाहे कुड़ी हो जाए तो ओदा भी वह प्रॉपरली या चंगे तरीके नाल ओदा पालन पोषण करेगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा तुसी भी दस सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट पनिका एक संवेदनशील मां एक संवेदनशील मां है जदों उसकी सास उसनूं भ्रूण हत्या की गल करती है तो उसके अंदर दी दुनिया दे विच कुछ हुंदा है जदों दी उसके अंदर एक करूंबला फुटी सी उदों दा उसनूं बहुत ही चंगा लगन लग गया सी ते वह सोचती सी कि वो अपने अंदर एक सिरजना कर रही है अते उसनूं अपने औरत होने महसूस हुंदा सी ठीक है गुड ठीक है सो ये भी वधिया पॉइंट है संवेदनशील मां संवेदनशील की हुंदा है की हुंदा संवेदनशील दा मतलब नो अली तो दस के टिप्पणी का संवेदनशील की हुंदा है स्ट्रॉन्ग नो हां तुसी बोलिया कुछ हल्ले दसो को ठीक सी हाँ पाबुक पावरफुल पाबुक हाँ बिल्कुल ओके पाबुक है ठीक है अगर तुसी पाबुक बोलिया है अगर तुसी पावरफुल बोलिया तो फिर भी संवेदनशील हुंदा है कि कोई बंदा ना अंदरों दी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुंदा है ठीक है ते ओ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ सास तो डरन वाली उस पॉइंट नूं आपां लास्ट विच लिख सकदे हां वाह ठीक है बहादुर भी लिख सकदे हां हरनूर सास तो डरन वाली उच्ची बोलिया करो थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੱਸੋ
सार्थक दसोगे सस तो डरन वाली किदा एकांगी विच किथे तुहानू पता लगता है कि वो सस तो डरन वाली है पहली गल तुहानू सब तो पहला स्टोरी पता होनी चाहिए है स्टोरी पता होएगी पात्र चित्रण बहुत ईजी है पॉइंट्स नू क्रैमिंग नहीं करनी मैं तुहानू बार बार कह रही हाँ किसी भी सब्जेक्ट नू क्रैमिंग करोगे तो उत्थे ही पेन अटक जाता है समझ के करोगे तो ईजी रहिंदा हर चीज ठीक है बैठो सो जो वह की कहती है वो सास नू कहती है कि तू स्कैनिंग करवा जानी है किन्नी कई एकांगी है बस एको जगह से घूमी जा रही है ओही वाली गल्ला तुसी लिखी जानी है बस एक टेक्ट है कि तुसी किद्दा लिखना उस चीज नू ठीक है हाँ बीजी नू पता लग सके सस तो ओ डरदी है ताही ओ कहंदी जदों ओदी सस कहंदी है स्कैनिंग करवाण लई चाहे ओ बाद विच प्रोटेस्ट करदी है पर पहला चल तां जांदी है ना बीजी तो डरदी है ना हाँ बिल्कुल सस उते रो पांदी है ओ तो डरदी है अपनी सस तो जदों ओनू कहंदी है कि तू टूटा पट्टा दाज लेके आई है ते ओ फिर भी ओदे खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलदी ओ हमेशा सुनदी रहंदी है चुपचाप ठीक है ओई दे विच ही लिख सकदे हो जे तुसी अलग पॉइंट बनाना अलग पॉइंट भी बना सकदे हो सस दा रोप सहण वाली नेक्स्ट पॉइंट ओके समाज नू सेध देन वाली सेध की हुंदा है हाँ गुरजाप एक्सप्लेन करो ठीक है ओके ठीक है क्लियर है समाज नू क्योंकि वो खुद एक पढ़ी लिखी औरत है आत्मनिर्भर है एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते आत्मनिर्भर ठीक है आत्मनिर्भर है ते वो हमेशा समाज नू सही सिक्ख्या दिंदी है एकांगी विच भी वह समाज दी एक प्रतिनिधि दी तरह प्रतिनिधि मीन्स रिप्रेजेंट कर रही है ना एक औरत होके औरत नू ही रिप्रेजेंट कर रही है कि जे कुड़ी हो जावे तो ता भी सानू दुखी नहीं होना चाहिए इकल्ले पालन विच विश्वास रखदी सी ओनू मतलब इन्ना अपने उत्ते स्वै विश्वास सी कॉन्फिडेंस सी कि मैं अपने बच्चों नू इकल्ले पाल सकदी तो ओनू लगदा सीगा कि कुड़ियां भी वड्डे होके जमीन जायदाद दियां वारस बन सकदियां ने जरूरी नहीं कि मुंडा ही बने ठीक है क्लियर है होर दसो पॉइंट ठीक है दलील ना गल करन वाली किस तरह अर्श रख लवांगे ठीक है सो हो चाहे अपनी सास तो डरदी है पर फिर भी वो अपनी गल कहन दे हमेशा पक्ष विच रहिंदी है ओ दलील ना गल करदी दलील मतलब के ठीक है ते ओनू कहंदी है कि कोई गल नहीं जे कुड़ी भी हुंदी है तो आपां ओनू पाल सकदे हां ठीक है ते फिर बाद विच ओदी सास भी एंड ते मान ही जांदी है क्यों क्योंकि ओदा पति ओदा साथ दिंदा है ठीक है पर ओ हल्ले भी नहीं मनदी ओनू मनना पैंदा है ठीक है होर कोई पॉइंट बहादुर ओके ठीक है वसल दा पॉइंट भी लिख लैंदे आ बहादुर औरत किस तरह वसल ठीक
ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੇਹਰ ਬਹਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ बैठो ठीक है ठीक है वेरी गुड प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी है हमेशा पॉइंट ओके यही वाले पॉइंट तो लवलीना दे पॉइंट एक होर पॉइंट निकल रहा है सही दा साथ देन वाली ठीक है आप लिखा था नहीं ना ये विच ट्वेल्थ पॉइंट लिख सकते हो सही दा साथ देन वाली एक्स्ट्रा पॉइंट सारे ने तुसी अपनी कॉपी दे सिर्फ आठ नौ पॉइंट लिखे ने लिख सकते हो ध्रुव गुलाटी कॉपी बस फड़ के नहीं आपा बैठना पॉइंट लिख लो सही दा साथ देन वाली जदों असी कर रहे सी तां साडे कोल इन्ने सारे पॉइंट नहीं सी हुण देखो किन्ने सारे पॉइंट आ गए पनिका मैम इस पॉइंट को लैबोरेट करना है नहीं तुसी हैंड रेस किता सी यस मैम नेक्स्ट पॉइंट देना था दसो विशेष स्त्री उसका भ्रूण हत्या विरुद्ध किया फैसला उसने एक विशेष स्त्री बना देता है उसका पति अचानक उसका साथ देने जरूरी समझता है उस उत्ते मान प्रकट करता है कि उसने वो काम किया जो उस समय स्त्रियां नहीं कर सकतियां सन ठीक है ओके गुड आ सकता है विशेष स्त्री वेरी गुड पनिका सही दा साथ देने वाली है ये तुसी खुद करोगे हुण मैं तुहानू ये एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि हर एक विच होदी है ठीक है बहुत नहीं 12 पॉइंट कोई होर पॉइंट तो नहीं आ रहा माइंड विच ऑनलाइन स्टूडेंट्स फोन अगर पेपर विच सृजना एकांगी दा पात्र चित्र ना जावे ठीक है होपफुली तुसी बहुत अच्छा लिखोगे ਬੀਜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਪ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋ ਬੀਜੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਬੀਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਭ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋ ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਪ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਲੀ ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ